हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रोड सेफ्टी के बारे में, रोड पे होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में और इनके जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। आए दिन हम देखते हैं एक्सीडेंट के इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली इंडिया में, और इससे होने वाली इंजरीज और डेथ्स भी काफ़ी हाई पे हैं, ऑल टाइम हाई पे हैं इस वक्त। तो अगर देखा जाए यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर में एनुअली लगभग 1.2-1.3 मिलियन डेथ्स होती हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन इन नंबर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इंडिया है, जो कि इनमें 10% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये काफ़ी कंसर्निंग है। थोड़ा समझेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्यों है, क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, या फिर हमारे जो कार्स हैं वो बेटर मतलब अच्छी नहीं है कंपेयर टू द कार्स सोल्ड वर्ल्ड वाइड। तो ऐसी चीज़ें हम थोड़ा देखेंगे और समझेंगे कि ये इश्यूज़ हैं क्यों। तो सबसे पहले मुझे लगता है इसमें दो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। जो फर्स्ट है, और मुझे लगता है ये मे बी 60-70% कंट्रीब्यूट करता होगा इस सब में, वो है हमारा ड्राइविंग बिहेवियर, हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो ड्राइविंग बिहेवियर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नो मैटर आप कितनी सेफ गाड़ी चला रहे हो, कितनी अच्छी, कितनी पुरानी, कितनी लेटेस्ट, कैसी भी गाड़ी चला रहे हो, अगर आपका ड्राइविंग बिहेवियर अच्छा नहीं है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अभी हम जैसे देखते हैं ऑलमोस्ट हर कोई अब एक कार लेके घूमता है, चाहे वो कार अफोर्ड कर पा रहा हो या ना कर पा रहा हो, बैंक्स इसे इजी बना देते हैं। चाहे आप न्यू कार लें या फिर आप एक प्री ओन्ड कार लें, आपको इजीली फाइनेंस ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस चक्कर में अब हर कोई कार लेके घूमता है, क्योंकि इनकी एक्सेसिबिलिटी अब इतनी ईजी हो गई है, तो इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है। सब गाड़ी लेते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो और चाहे फिर आप किसी भी मोड से लें, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर उसका मिसयूज़ करना काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है। अब क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इतनी इजी है, लोग उसकी इतनी ज़्यादा कदर नहीं करते और वो फिर रैश ड्राइविंग करते हैं। हमारी सड़कें अब पहले से बेहतर हैं, मतलब काफ़ी अच्छी वाइड सड़कें बनी हुई हैं, बड़े बड़े हाईवेज हैं जिन पे 100-120 की स्पीड लिमिट्स अलाउड हैं, और ये देख के लोग इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि अब उनको ड्राइविंग की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, अब उनको ढंग से ड्राइव करना नहीं आता, लेकिन वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, ज़िगज़ैग्स वगैरह करते हैं, ऐसी चीज़ें करेंगे, शॉर्टकट्स वगैरह मारेंगे, जिसके चक्कर में कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और ऐसी हाई स्पीड में होने वाले एक्सीडेंट्स को आपकी 5-स्टार रेटेड कार्स भी ज़्यादा बचाएंगी। तो ये एक मेन और सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि हमने देखा है, रोड्स पे छपरीबाजी करना, ये आजकल की यूथ अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा करने लगी है। इसी यूएन की स्टडी में मैंने पढ़ा था, ये जो एक्सीडेंट में होने वाली डेथ्स हैं, ये जो नंबर था 1.5 लाख एनुअली इंडिया में, ये खाली डेथ्स का है, इसमें इंजरीज मेजर माइनर कवर्ड नहीं है। तो अगर हम उन सबको मिला दें तो ये नंबर काफ़ी हाई होगा, मुझे लगता है ये 5 लाख से भी ऊपर हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा सबसे बड़े विक्टम्स दूसरे होते हैं, कार ड्राइव करने वाले खुद नहीं होते, बट मोस्टली जो होता है वो या तो रोड पे साइड में चलने वाले, या लोग जो खड़े हैं कुछ कर रहे हैं वो, या फिर सामने से आने वाली दूसरी गाड़ियाँ जो सेफली चल रही हो, उनमें जाके लगने से उनका ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये जो लौंडे हैं, ये लड़के हैं, ये छपरीबाजी करते हैं, अब इनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये दूसरों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है होने वाले रोड एक्सीडेंट्स का। अब ये मोस्टली ये सोशल मीडिया स्टंट्स के लिए करते हैं कि इनकी एक रील बन जाए, इनकी एक वीडियो बन जाए जो इंस्टाग्राम पे वायरल हो, और पीछे कोई ऐसे ही गाना, छपरी गाना लगा देंगे कि भाई अब हमारी रील वायरल होगी, ऐसे अनाप शनाप हरकतें करके। लेकिन ये सब तब तक ठीक है जब तक इससे किसी दूसरे को इम्पैक्ट नहीं हो, लेकिन जब इसका इम्पैक्ट आम लोगों को होने लग जाए, आसपास चलने वाले या फिर अपने बिजनेस से बिजनेस रखने वाले लोग हैं उनको इम्पैक्ट होने लग जाए, तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अभी कल ही दिल्ली में पश्चिम बिहार में एक इंसिडेंट हुआ है, 22-23 साल का लड़का, अपनी माँ के नाम पर उसकी गाड़ी थी जो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी। वो लड़का फ्लाईओवर के ऊपर रश आवर्स में, जब ट्रैफिक पीक पे रहता है, अपनी गाड़ी में स्टंट मारता हुआ पकड़ा गया। उसका भी मैं वीडियो इसमें बीच में डाल दूंगा। तो वो स्टंट मार रहा था, सारी ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा था, उसके बाद उसने गाड़ी बीचों बीच फ्लाईओवर के, जहाँ कोई एग्जिट नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप फंस गए वहाँ पर, बीचों बीच फ्लाईओवर के ऐसे लगा दी कि उसने सारी की सारी ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, और फिर वो अपनी तफरीबाजी करने लग गया। तो ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी आम हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, हमारे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा,
ये सब यूपी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा आम हो गए हैं, और अनफॉर्चुनेटली इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन भी मिलता है। इनको देखने वाले लोग, इनको पसंद करने वाले लोग, यही छपरी जो गैंग है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके चक्कर में ये ऐसी हरकतें करते हैं और कई बार ये भारी भी पड़ जाता है और फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, चाहे इनके या इनकी वजह से किसी और के, और उससे फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो थैंकफुली इस केस में पुलिस ने एक्शन लिया, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको अरेस्ट करा और उसकी कार को सीज कर दिया और साथ में उस पर चालान वगैरह भी लगा। बट कई बार ये बच के निकल जाते हैं, इनको ऐसे कई बार ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, तो पुलिस भी हमेशा इस पर एक्शन नहीं ले पाती। बट मेरे हिसाब से इस पर रेगुलरली एक्शन होना चाहिए और ऐसे लोगों को भारी चालान्स वगैरह और इनकी कार्स वगैरह को सीज कर देना चाहिए। तो ये एक मेन इशू है जो ये रोड के एक्सीडेंट्स में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, तो इस पे बात करना काफ़ी ज़रूरी था। नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा कार की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी। ये भी एक मेन रीज़न है रोड में होने वाले एक्सीडेंट्स में, फेटल इंजरीज और डेथ्स का। अब कार्स मोस्टली जो हमारे इंडिया में बिकती हैं वो काफ़ी सब स्टैंडर्ड कार्स हैं, मतलब उनमें सेफ्टी के नाम से वो हार्डली 1 या 2 स्टार स्कोर करती हैं, और ऑन एन एवरेज 3 स्टार लगा मान के चलिए, जो कि काफ़ी मेरे ख्याल से लो है। अगर हम देखें इंटरनेशनली इसको कंपेयर करें तो हमारे यहाँ सब स्टैंडर्ड कार्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आप सब जानते ही होंगे, सबसे हाईएस्ट कार सेलिंग कंपनी इंडिया में मारुति सुजुकी है। हर दूसरी कार जो आज भी इंडिया में बिकती है वो मारुति सुजुकी है, और बाकी सारे ब्रांड्स मिल के आधा ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं जो कि कार सेल्स है। अगर आप इस चार्ट में देखें, टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार्स में 7 सिर्फ और सिर्फ मारुति सुजुकी की है, और इन कार्स की अगर आप सेफ्टी रेटिंग्स देखें, 1 स्टार 2 स्टार्स 0 स्टार्स, इस तरह की सेफ्टी रेटिंग्स है। अब ऐसी कार्स जब रोड में होंगी और ऐसी कार्स अगर किसी भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होंगी, तो उनमें होने वाली इंजरीज, उनसे होने वाले नुकसान का आप इमेजिन कर ही सकते हैं। 1 और 2 स्टार मतलब बहुत ही खराब रेटिंग है कार सेफ्टी को लेके अगर बात करें, लेकिन ये कार्स फिर भी बिकती हैं, काफ़ी सालों से ये नंबर 1 पे है और अभी भी इस कार कंपनी का मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है। लोग अच्छे से अच्छी गाड़ियां बड़ी बाकी की कंपनीज बना रही हैं और कंपेटिटिव प्राइस पे बेच रही हैं, 5 स्टार गाड़ियां बेच रही हैं, लेकिन उनके नंबर्स फिर भी बहुत कम हैं, क्योंकि मारुति सुजुकी जो है वो उसका पूरा का पूरा खेल है उसके सर्विस नेटवर्क पे, एक्सेसिबिलिटी पे, उसके पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी पे, क्योंकि इस कंपनी ने अपने सारे सर्विसेज को, पार्ट्स को ओपन सोर्स करके रखा हुआ है। मतलब आप कहीं भी जाएं, आप इजीली इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे और आप कहीं से भी इन्हें रिपेयर करा सकते हैं, तो इसके चक्कर में लोग मारुति सुजुकी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट मेरे हिसाब से ये रीज़न एक वैलिड रीज़न नहीं बनता आपको अपनी हेल्थ और सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मास मेजॉरिटी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है कंपेयर टू अदर फीचर्स। तो बेसिकली यही 2 पॉइंट्स थे जिनके बारे में मुझे थोड़ा डिस्कस करना था, क्योंकि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स पे थोड़ा गौर करें तो ये एक्सीडेंट के इंसिडेंट्स काफ़ी कम हो सकते हैं। मेरा भी ये मानना है कि अगर आप इवन अगर आप एक नॉर्मल गाड़ी लेते हैं जो कि सेफ्टी वाइज उतनी ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है, सेफर कार्स में नहीं आती, फिर भी अगर आप उसे ढंग से चलाएं, ध्यान से चलाएं, रैश ड्राइविंग ना करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी फॉलो करें, आप फिर भी उस कार को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इंसिडेंट। हम सब ने मारुति की कार्स चलाई हैं, चलाने के हिसाब से, कंफर्ट कन्वीनियंस के हिसाब से उनकी कार्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी रिलायबल हैं, अच्छी हमें फ्यूल इकोनॉमी वगैरह दे देती हैं। फिर भी सेफ्टी, कार के अंदर सेफ्टी फीचर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम कैसे ड्राइव करते हैं, हमारा ड्राइविंग बिहेवियर कैसा है। मोस्टली हम ट्रैफिक के जो भी रूल्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, हम सिग्नल्स को जंप कर देते हैं, हम लेन्स फॉलो नहीं करते, हम प्रॉपर इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करते लेन चेंज करते टाइम, हम डिपर्स का यूज़ नहीं करते, ये सारी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी ड्राइविंग काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है दूसरों के लिए भी, और एक्सीडेंट्स इससे भी बढ़ जाते हैं। तो ऑल इन ऑल ओवरऑल हमें अपने ड्राइविंग कल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाहर आप किसी भी देश में जाएं, चाहे वो ईस्ट हो वेस्ट हो, कहीं भी हो, तो सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ नोटिस करेंगे वो वहाँ का ड्राइविंग कल्चर है। आप देखेंगे लोग कितने रिलीजियसली लेन्स को फॉलो कर रहे हैं, स्पीड लिमिट्स को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो कर रहे हैं, इवन इफ रात हो, बिल्कुल खाली रोड हो, फिर भी ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करते हैं।
लेन से एग्जिट लेते टाइम इंडिकेटर का यूज करना, लेन चेंज करते टाइम इंडिकेटर्स का यूज करना, हॉर्न पे डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट जीरो है. तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से वहां होने वाले एक्सीडेंट्स काफी कम हैं कंपेयर टू जो यहाँ इंडिया में होते हैं. तो हमें इस सब चीज पे ध्यान देना चाहिए. इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था. मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर बात करें, क्योंकि इंसिडेंट्स इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. आसपास आप देखें, रोज एक दो एक्सीडेंट्स आपको खुद देखने को मिलेंगे. फिर जो जहां जहां नहीं जा पाते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने एक्सीडेंट्स होते. तो होप ये वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इससे कुछ सीख मिली हो. अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स भी शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए बस थैंक यू.